ये सैमसंग की 26 इंच LCD है। इसमें फॉल्ट देखिए, पिक्चर में स्लो मोशन आ रहे है। तो आइए हम देखते हैं ये स्लो मोशन कहाँ से आते हैं। तो पहले हम टीवी को खोल लेते हैं। देखिए ये इसका मदरबोर्ड है और ये इसका SMPS है। देखिए इसमें दो सोर्स कॉप और चार गेट कॉप लगे हुए हैं। तो हम पहले स्केलर बोर्ड को बहुत ही अच्छी तरह जांच करना है, क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ है या नहीं ये देखना पड़ेगा, या कोई पार्ट्स मिसिंग है या नहीं ये भी देखना है। पहले हम पैनल VCC को चेक करेंगे। पैनल VCC 12 वोल्ट सही है। बाद हमें देखना चाहिए 3.3 वोल्ट को, ओके है। इसके बाद हमें देखना चाहिए ABDD वोल्टेज को, हाँ सही है। इसके बाद देखना चाहिए VGH को, हाँ VGH सही है। स्केलर का सारे वोल्टेज ठीक है। मेरे ख्याल से आप गेट कप को वोल्टेज देखना चाहिए, क्योंकि गेट कप में कोई वोल्टेज मिसिंग है या नहीं, और गेट कप में कोई VGH मिसिंग होने से ये स्लो मोशन का प्रॉब्लम आता है। तो हम देखेंगे गेट कप में जो टेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही सावधानी से हम साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको वोल्टेज को चेक करेंगे। पॉइंट पर VGL होना चाहिए। देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, VGL भी है और इसमें VGH आना चाहिए। देखिए इसमें VGH वोल्टेज नहीं है। VGH से एक जम्पर लेकर साइड कॉप में VGH पॉइंट पर बाईपास कर दिया और स्लो मोशन पिक्चर ठीक हो गया। Thank you for watching my video.